मेघनगर झाबुआ में 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने और शाजापुर जिला ट्रामा सेंटर में भगवान सिंह बिलाला और उसके परिवार के साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में जय आदिवासी संगठन द्वारा बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही ज्ञापन में आरोप लगाया कि शाजापुर जिला ट्रामा सेंटर में प्रसव के लिए आने वाले गरीब परिवार की महिलाओं से स्टाफ नर्सों द्वारा 1,000 रुपये की राशि वसूल की जाती है और जो परिवार राशि देने से मना कर देता है उन्हें जटिलता का हवाला देकर इंदौर उज्जैन रेफर कर दिया जाता है। स्टाफ नर्सों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई। मजदूर वर्ग की महिलाओं से नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद वहाँ के स्टाफ के कर्मचारी द्वारा उन महिलाओं के परिजनों से 1,000 से 3,000-4,000 रुपये तक लिए जाते हैं। यह रकम एक गरीब परिवार के लिए बहुत ही बड़ी रकम है। यदि किसी महिला के परिजन पैसे नहीं देते तो उस महिला की देखभाल सही से नहीं की जाती और कुछ महिलाओं को रेफर करने के नाम पे पैसे मांग की जाती है। नहीं देने पर उन्हें जिले से बाहर इंदौर या उज्जैन रेफर कर दिया जाता है। किसी महिला को तो कोई दिक्कत नहीं होने के बाद भी यह रेफर कर दिया जाता है। उन महिलाओं को रास्ते में ही गाड़ी के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। गत दिनांक 27/1/2021 को भी एक गरीब परिवार महिला को जो कि ग्राम कतवरिया से डिलीवरी के लिए ट्रामा सेंटर साजापुर में परिवार के लोगों के द्वारा लाई गई थी, उन महिला सरिता पति भगवान सिंह बिलाला को यहां से रात्रि 10:30 बजे इंदौर पर के लिए रेफर कर दिया। उस महिला को रास्ते में ही गाड़ी के अंदर ही नॉर्मल डिलीवरी हो गई। इसके बाद परिजन उसे वापस ट्रामा सेंटर लेकर आए। भविष्य में किसी के साथ मजदूर परिवार के साथ ऐसा ना हो इसलिए अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई की मांग करते हैं।